चलिए देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP जिसको बोलते हैं। ओके, आपके बुक में लीनियर प्रोग्रामिंग करके शायद ना, इसको तो हटा दो भाई, ये क्यों है। देखिए आपकी बुक में जो है ये लीनियर प्रोग्रामिंग करके है, तो एक्चुअली हमें क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग से जुड़ी ही प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता क्या है, ओ देखो जैसे कि ये एक्चुअली जो है ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, और बहुत अच्छा है और एक ही क्लास में फिनिश भी हो जाएगा, बड़े मज़े की बात है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि आपने एक प्लान बनाया कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है अमेरिका, आपको अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए। अब अमेरिका जाने के लिए आप कई स्केल में अपने एसेस करोगे, अपनी मतलब सिचुएशन देखोगे। नंबर वन देखोगे, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी होगी कि क्या आपकी फैमिली फाइनेंस सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब मान लो आपने मैथमेटिकली आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को ऐसे ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो गई, मैंने मान लो एक्स रुपये लग रही है आपकी एजुकेशनल फीस और वाई रुपीज़ आ रहा है वहाँ का खाना खर्चा, ओके वेजेस वगैरह सब कुछ जो लग रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 365 दिन मेरे मतलब स्कूल का खर्च, कॉलेज का, और प्लस जितने दिन रह रहे हो वहाँ पे, मतलब 5 साल रह रहे हो और 1 साल का अगर खाने का किराया इतना है, वाई है, तो 5 साल का कितना होगा, 5y, तो दैट शुड बी लेस देन कितना, 7 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 10 लाख से कम होना चाहिए, ऐसे बनाओगे ना, तो एक इनइक्वालिटी बन गई है। अब इसको आप ड्रॉ करोगे, अब इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी आपने क्लास 11th में सीखी थी हाउ टू ड्रॉ, अब इस नहीं सीखी तो मैं आपको ड्रॉ करना सिखा दूंगा। कैसे ड्रॉ करोगे, या तो इधर का रीज़न शेड होगा या तो इधर का रीज़न शेड होगा, दो रीज़न शेड होंगे। बोलो मुस्कान, समझ में आया? यस सर। चलो ये पहली पॉसिबिलिटी हुई, चलो ये पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मिलाओगे कि भैया आपका फूडिंग्स फाइनेंस हो गया पढ़ाई लिखाई का, ओके क्या आपका फूड बजट सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझ गए ना। फूड बजट में दो क्लासेस बन गई, मान लीजिए कुछ ऐसा बन गई, इक्वेशंस बन गई, तो उस इक्वेशन को आपने ड्रॉ किया, मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ उस इक्वेशन को, ओके सपोज़ ये है, मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ किया फूड इक्वेशंस, ये देखिए, तो कहाँ उसका रीज़न आ रहा है, ये रीज़न आया, ये रीज़न आया। देन तीसरा कुछ हॉल ले लो, कुछ और ले लो कि जो वो भी क्राइटेरिया हो। हाँ मान लो नंबर ऑफ डेज, आपके पास टाइम, आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल है, उसका भी कोई इक्वेशन है, समथिंग एक्स प्लस 3y = 600 कुछ करके एक इक्वेशन अवेलेबल है, तो उसको ड्रॉ करो। तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कोई और कलर से, रेड कलर से, ये देखो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और वो आ रही है उसकी रीज़न ही आ रही है अंदर, ओके। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ डेज, अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपके घर से बाहर निकलने के लिए सारी की सारी कंडीशंस का मैच होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से कि जैसे बर्थडे में परमिशन मांगने के लिए मम्मी को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, पापा को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, स्कूल के मार्क्स भी अच्छे लाने होते हैं, और ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा बर्थडे पीटीएम के आसपास ना पड़ रहा हो। अगर बर्थडे पीटीएम के आसपास पड़ेगा तो आपको ज़्यादा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी कि उसमें माहौल घर का ठीक रहे तो शायद परमिशन मिल जाए, है ना, नहीं तो घर वाले सीधे उस पर अटैक करेंगे, बर्थडे पे नहीं जाने को मिलेगा। तो जब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो एक आपको रीज़न मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड फिजिबल रीज़न, मतलब वो फिजिबल मतलब क्या, संभावनाओं का आसमान, कि हाँ उसमें आप जा सकते हो जब सारी चीज़ें बन गई। तो जैसे मैं यदि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ इस रीज़न को, यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है ना,
फिजिबल रीज़न की जिसकी मैं बात कर रहा था, यदि मैं इस रीज़न को यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखिए वो रीज़न देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नहीं 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 मतलब ग्रीन भी देख, सॉरी ग्रीन तो है नहीं, येलो भी देखो, वाइट भी देखो, रेड भी देखो, कहाँ कहाँ पर, तो मैं शेड कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने ऐसा कलर ले लिया जो आपको शायद दिख ही नहीं पाएगा, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ। यस तो ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही लाइट है यार, थोड़ा डार्क तो होना चाहिए, इतना डार्क थिकनेस। चलिए वाइट ले लो यार, मज़ा नहीं आ रहा है। मैं खुद के कोई कलर्स ले लेता हूँ, उससे करता हूँ। चलिए ये ले लेता हूँ, अब मैं इसको शेड करता हूँ। देखो तो ये देखिए ये जो रीज़न निकल रहा है इसमें सारी पॉसिबिलिटी कंटेन्स है, ये जो रीज़न है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके ये जो रीज़न है इसकी सारी पॉसिबिलिटी कंटेन्स है बच्चे, इस रीज़न को बोलते हैं अपन फिजिबल रीज़न। अब एक चीज़ समझो कि आपको जो आपका सोल्यूशन मिलेगा वो इसी फिजिबल रीज़न में मिलेगा। अब इस फिजिबल रीज़न के कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, कॉर्नर्स को पकड़ो तो देखना ध्यान से, एक कॉर्नर ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स और वाई होगा, एक कॉर्नर ये दिख रहा है वो तो जीरो जीरो है, एक कॉर्नर ये दिख रहा है और एक कॉर्नर ये दिख रहा है, मतलब आपको अपने जाने के लिए जो सेटिस्फाइंग पॉइंट मिल रहे हैं वो चार पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आपको लास्ट में एक फंक्शन दिया होगा जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम लोग जेड से बोलते हैं, जेड से बोलते हैं। मान लीजिए वो क्या है, फिलहाल मान लीजिए वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके मार्क्स हैं, क्या आप बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो और आपके जो मार्क्स का स्केल है वो कुछ ऐसा है, या आपकी इंडस्ट्री खोले हो तो कमाई का स्केल है, समझ गए ना। तो मान लो आपके मार्क्स का स्केल कुछ दे रखा है क्वेश्चन में 300x + 200y, अब आपने चार कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए हैं, उन कॉर्नर पॉइंट को लिख दो, पहला पॉइंट क्या था 0, 0, दूसरा पॉइंट भी आएगा x1, y1, तीसरा पॉइंट आएगा x2, y2 और फोर्थ पॉइंट आएगा x4, y4 और इन चारों पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू, 300x + 200y, बोलो बेटा हाँ। यस सर। अब इस पर वैल्यू आएगी जी, इस पे तो जीरो ही दिख रही है, इस पर वैल्यू आएगी, इस पर वैल्यू आएगी, इस पर वैल्यू आएगी, जिस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गई, मान लो इस पे आ गई 1500, इस पे आ गई 4500, इस पे आ गई 3000, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पे आ रही है, 4500 पे आ रही है, मतलब ये वो सिचुएशन है एक्स और वाई की जो आपकी पढ़ाई लिखाई के बाद आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए सपोर्ट करती है, समझ गए ना। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा एक्स और वाई का, तो उस समय क्या प्लेस करोगे कि एक्स टू में आप कितने यूनिट लगाओगे, एक्स टू यूनिट एक्स के लिए, और वाई के लिए कितने यूनिट लगाओगे, वाई टू यूनिट, मतलब एक्स और वाई जो भी ग्राफ से आएगा एक्स टू वाई टू जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। एक्स टू वाई टू कहाँ निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, कहीं पर भी निकले वो उससे मतलब नहीं है, वो तो आप पुट करके देख लोगे। बोलो फीलिंग समझ में आई चैप्टर को करना क्या है। यस सर। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, एक दो क्वेश्चन में ही चैप्टर बिंदास क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये आपकी बुक है भाई NCERT, जय हो। कौन है भाई ये, एल कॉन्त्रोविच भाई, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हम लोग को बहुत कुछ इन्होंने करके गए हैं, ठीक है ना, फोटो देख ली इनकी बस। चलो आ जाओ भाई आगे। चलिए अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहला उसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में जो दी गई है, एक मिनट, तो क्या दिया गया है, पहले ही क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे दी गई स्क्रीन। ओके ये आ गया बच्चों, हर क्वेश्चन में दी रहेगी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज 10 हो गया, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बेटा इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव
कंस्टेंट्स। भाई घर से बाहर तो निकलो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो मतलब नो इन्वेस्टमेंट, हम निकले ही नहीं घर से बाहर। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब ये संभावना है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की, कि भैया आप यहाँ कुछ एक्स लगा रहे हो और कुछ वाई लगा रहे हो। समझ गए? समझ में आया? यस सर। हाँ तो ये पहला हो गया। दूसरी देखो, ये कंस्टेंट्स दी गई है, ये क्या है, इसको लिख दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अब इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपने एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2500 रुपये, 2500 रुपये कॉस्ट है, और दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट है 500 रुपये। आप कोई कंपनी है आपकी, वो कुछ आर्टिकल बना रही है और कुछ आर्टिकल बना रही है, दो आर्टिकल बना रही है, मान लो जूते मोजे बना रही है बहुत अच्छे कंपनी के, है ना, मोजे तो बहुत, चलो मोजे 500 रुपये चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अब जूते बना रही है, जूते बनाएगी 2500 रुपये का एक जूता है, तो कितने जूते बनाई, एक्स जूते, और 500 रुपये का एक पेयर ऑफ मोजे यानी शॉक्स हैं, तो कितने मोजे बनाए, 500 वाई। और पापा ने कह रखा बेटा जो भी धंधा करो मेरा बजट है 50,000 रुपये से ज़्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो आप क्या कहोगे, एक्स जूते बनाए 2500 रुपये के तो टोटल बजट कितना ठहरा जूतों का, 2500 एक्स, और वाई मोजे बनाए 500 रुपये के तो टोटल बजट कितना गिरा बेटा, 500 वाई। और ये पैसा ऐसा लगाना है कि एक्स और वाई का सम जो टोटल सम कितना, 5 लाख से 50,000 से कम। बोलो बच्चों, यस कि नो? यस सर। हाँ ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या है, दूसरा क्या दिया, स्टोरेज कॉस्ट है ये। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब ऐसा नहीं कि जूते ही जूते जड़ दिए, कंपनी अपनी है जूते ही जूते बना दो, जूतों में फ़ायदा है, अरे भैया बैलेंस बिगड़ जाएगा, मुझे भी बिकने चाहिए जूते भी बिकने चाहिए। तो क्या कंडीशन दी गई है कि जूते नंबर ऑफ शूज़ के 5 गुना और नंबर ऑफ शॉक्स के सिंपल वाई, जितने मोजे बन रहे हैं और जितने जूते बन रहे हैं पर डे के, वो हमेशा मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए भैया। मतलब नंबर ऑफ शूज़ का 5 गुना और नंबर ऑफ शॉक्स का ओरिजिनल जितने हैं, जितना वाई 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 तो नंबर ऑफ शॉक्स ही है, 1 गुना, 1 टाइम्स, वो 100 से कम या 100 के इक्वल होने चाहिए। मतलब इसके बाद आपकी ये कह लो कि मशीन ख़राब हो जाएगी, या इससे ज़्यादा आपने बनवाए 100 से, ये रूल है, इससे 100 से ज़्यादा बनवा लिए तो कंपनी हड़ताल पे चली जाएगी। और सिंपल समझना हो तो लियो ऐसा समझ लो, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब जूते और मोजे कुल मिला करके 100 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, कम बनवा लो चलेगा पर ज़्यादा नहीं बनवाओ। तो ये कहलाएगी बेटा स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि ये स्टोरेज की कैपेबिलिटी बता रही है कि कितना स्टोर कर पाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे समझ। तो एक दी गई इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, एक दी गई स्टोरेज कंस्ट्रेंट, और इस बेस पर आपको इसको बनाना पड़ेगा। अब आइए इसी सवाल को अपन कर देते हैं। तो क्या अपने पास है भैया क्वेश्चन, और फिर अपन को दिया गया है, इसके बाद कह रहा है हाँ ये तो हो गया, कंपनी लगा ली, पिताजी की बात मान के पैसे खर्च कर दिए, है ना, कितना उन्होंने बोला था 5000 एक्स, 500 था, 5000 एक्स था ना, 2500 एक्स, 2500 था बेटा, देख लिया मैंने ऊपर, हाँ ये 2500 एक्स था। पहला कंस्ट्रेंट्स क्या बनी थी, 2500 एक्स प्लस 500 वाई लेस देन और इक्वल टू कितना, 50,000। ये देखिए पिताजी ने 50,000 रुपये दिए थे, बोले थे बेटा 2500 रुपये के एक्स आर्टिकल लगाओ, 500 रुपये के वाई मोजे खरीदो लगाओ, और भैया बजट तो 50,000 है, जितना जो लगाना है तुम्हारी मर्जी, अब एक्स और वाई एडजस्ट करो। चलो देखो अब क्या करो बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 2 0 इक्वेशन है, क्या कर दो कैंसिल। चलो अब एक काम करो, इसको काट दो 5 से, तो 5 से कितने बार गया, 5 बार, 5x, ये कितने बार गया, 1 बार, तो प्लस वाई लेस देन क्या बचेगा भैया, 100 बचेगा, 500 में 100। तो ये देखो ये जो कंस्ट्रेंट दिख रही थी ये बन के आ गई। अगली क्या थी, अगली अपन ने कंस्टेंट्स लिखी थी वहाँ पे भैया, कितना लिखी थी देखो, 5x प्लस वाई 100, तो ये तो वही की वही रहेगी, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना, 5x प्लस वाई लेस देन 100 ये पहली थी, सॉरी दूसरी जो थी कॉस्ट ये थी स्टोरेज वाली, स्टोरेज वाली थी। अरे बच्चों इसी को सॉल्व करके इसने बता दिया था, स्टोरेज ये दी गई है बच्चों, चलो और सरल कर दिया, अच्छी बात है, मतलब गोदाम में रखने के लिए जो माल है जूते और मोजे कुल मिला करके कितना, 60 से कम, चाहे आप इसको गोदाम का स्टोरेज मान लो,
चाहे ये समझ लो कि लेबर मना कर देंगे या मशीन फूक जाएगी, इसके बाद मशीन मना कर देगी, नहीं कर पाएंगे। तो भैया दूसरा फंक्शन क्या बन गया, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। इतना करने के बाद इंसान कोई काम क्यों करता है भाई? इंसान काम करता है प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट। इतना सब कुछ करने के बाद जो आकलन लगाया है सर जी ने कि मैं जो कंपनी खोल रहा हूँ जूते मोजे की, अगर मेरे बजट में आ गया, मेरी मशीन इतना काम करके देगी अधिक से अधिक, तो मुझे एक जूते में 250 रुपये का फायदा है। कितने रुपए का? 250। तो अगर एक जूते में 250 रुपये का फायदा है और आप पर डे कितने जूते बना रहे हो? एक्स। तो भैया आपका पर डे कितना फायदा हुआ? 250x। और हर पेयर ऑफ मोजे में 75 रुपए का फायदा है, तो y पेयर ऑफ मोजे बन रहे हैं तो कितना हुआ? 75y। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसका नाम यहां पे रहेगा प्रॉफिट फंक्शन। क्या है ये? प्रॉफिट फंक्शन। और अब y और x की कुछ ऐसी जोड़ी जमानी है कि प्रॉफिट मैक्सिमम निकले। एक मूर्ख व्यक्ति से पूछोगे तो बोलेगा एक काम करो सर, जूते ही जूते बनवाओ, क्योंकि मोजे में मिल रहा 75 रुपए और 250 रुपये मिल रहा जूते में, तो एक काम करो वाई को कर दो 0। मतलब कंपनी जो थी वो जूते और मोजे की थी, उसको काट करके आपने सीधे जूते की कंपनी बना दिया। तो भैया ऐसा नहीं है कि आप बोले मोजा बिकना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। बोलो फीलिंग समझ में आ गई क्वेश्चन की कि नहीं आई? अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। बस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे पूरा पूरा चैप्टर अपना जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसी को चलो क्रॉप करके लेके पकड़ के चलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये हैं, पहले इसको बना लेते हैं, बाद में उसको ये लो। ये लीजिए जी, ये क्वेश्चन अपने पास में है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ करने के लिए आप जो है, पहले मैं एक्सेस बना लूं। बच्चों आपको बिंदास ग्राफ पेपर दिया जाएगा, मगर इस बार तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो कुछ नहीं आपको बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आपको जेड की वैल्यू बोलेगा लास्ट में, मतलब जो आंसर आ रहा है लास्ट में वो आएगा आपको, ठीक है ना? मैक्सिमम वैल्यू बताएगा या बोलेगा कितने जूते और कितने मोजे, पर आंसर मैक्सिमम, कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगी। चलो देखो, पहला है 5x + y < 100। तरीका, इक्वेशन लिख लो, क्लास 11th आ जाओ, 5x + y < 100। बेटा क्या है ये? इनइक्वालिटी है। तो पहले इस इनइक्वालिटी से इक्वालिटी निकालो। इक्वालिटी क्या बनेगी? 5x + y = 100। अब 100 को नीचे लेकर के आओ तो बनेगा 5x/100 + y/100 = कितना? 1। मतलब ये क्या बनेगा बेटा? x/20 और + y/100 = 1। तो ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, x/a + y/b = 1। सबसे बेस्ट लाइन इसी में बनाना होता है। मतलब x में कितने का इंटरसेप्ट कट रहा? 20 का। और y में कितने का? 100 का। तो मैं एक एक काम करता हूँ, मैं 20-20 के खांचे मान लेता हूँ। तो ये 20, तो ये पॉइंट क्या होगा? 20, 0। ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100, 100। और इधर 100 चाहिए है तो 20, 40, 60, 80, 100। ये लो भैया, ये हो गया, बन गया। यस सर। हाँ मुस्कान, समझ में आ रहा है? बड़ा स्लो साउंड है बेटा, क्या हो गया तुमको? सर कुछ नहीं हुआ। हाँ देखो, तो x में कितना बेटा? 20। और y में कितना? ओए विद्वान, यहाँ देखो, x में कितना? 20। और y में कितना? 100। तो x में 20 है, y में 100 है, ये मिला दो, चली गई लाइन। अब देखो बेटा, क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए डार्क रखना, और अगर इक्वालिटी ना हो तो डॉट 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 रखना, क्योंकि इक्वालिटी है मतलब इस लाइन के वाले पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ये तो हो गया इक्वल का काम। अब ये देखो, ये जो चोंच लगी है ना, इसका पता करो। चोंच लगना मतलब रीज़न। तो देखो क्या करो बच्चों, इस ओरिजिन से पूछो कि भैया 0, 0 तुम कहाँ बैठे हो इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो पुट करो 0, 0, तो 5 × 0 कितना हुआ, और y की जगह 0, 0, 0 < 100 आ गया। मतलब 0 < 100, बोलो सही बात की गलत बात? सही बात। मतलब ओरिजिन कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, मतलब मैं लाइन के तरफ हूँ, मतलब ये रीज़न जो है मेरी तरफ है। तो इसका जो रीज़न आएगा वो ओरिजिन के तरफ आएगा।
अब आप कहोगे सर पीछे चले जाओ, अरे तो पीछे जाने का मतलब ही नहीं ना, यहाँ तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर तो आप खर्च कर ही नहीं सकते हो, तो नेगेटिव लगाने का मतलब है ही नहीं है, मतलब यहाँ पीछे जाने का कोई रोल नहीं है, केवल यहाँ तक जाओ। बेटा मोबाइल रख दे इधर, दे इधर। ये हो गया एक्स लेस देन जीरो, तो ये पीछे की तरफ चला गया, यहाँ ये पहली इनक्वालिटी बन गई। चलो बहुत बढ़िया, ये रीज़न बन गया भैया एक। बोलो मुस्कान क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर आ गया समझ। चलो पहला आ गया, अब दूसरा लाइन बनाओ भाई। अब ये मिटा दो बेटा, अब ये आपका काम था, अब इसको आपने मिटा देना है, ठीक है ना? ये मैं मिटा देता हूँ, मेरा काम बन गया। ये सब आपको रफ में करना है या साइड में कर देना देखने के लिए, कि देख लो चेक करने वाले एग्जामिनर महोदय आप देख लो हमसे सब कुछ बनता है। ये भैया अपन ने बना दिया, ये क्यों नहीं हट रहा? चलो बहुत बढ़िया बन गया। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, ये तो बहुत लल्लू लाइन एकदम। एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, तो पहले इसकी इनइक्वालिटी पकड़ो। इक्वालिटी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा? 60। 60 को नीचे बुलाओ, एक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 60 इक्वल टू कितना? 1। मतलब एक्स में भी 60 और वाई में भी 60, तो एक्स में 60 देखो ये 20 40 60, ये है पॉइंट बेटा 60,0 है या ना। अब वाई में 60 कहाँ बनेगा? देखो बेटा ये 20, ये 40, एक मिनट ऊपर 100 था, एक दो ये 80 बना दिया था। चलो कोई नहीं, तो एक काम करो थोड़ा सा नीचे कर लो, पॉइंट जुगाड़ जमा लेते हैं, इसको 20 ही रहने दो, ये थोड़ा इसके नीचे कर लो 40, इसी को 60 समझ लो, इसको 60 समझ लो, ठीक है ना? बोलो चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? या थोड़ा नीचे मान लो, चलो थोड़ा नीचे मान लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये लियो मान लो यहाँ पे, ये आ गया बेटा, ये हो गया 0,60, ठीक है? बोलो मुस्कान, यस बोलो, यस सर। हाँ तो एक पॉइंट बन गया 60,0 और दूसरा पॉइंट बन गया 0,60। अब इन दोनों को मिला करके ड्रॉ कर दो, इन दोनों को मिला करके क्या कर दो? ड्रॉ कर दो भाई। चलो ड्रॉ करते हैं, रूलर ले आया अपन ने, उठाओ भाई रूलर को, ये उठाया और इसको वे अब घुमाऊं कैसे? घूम जा भाई, तो घूम ही नहीं रहा। अच्छा मुझे ये लेना पड़ेगा तब घूमेगा ये। घूमोगे कैसे? फाइव डिग्री पे ही जा रहा है ये। अच्छा इससे घूम रहा है, ओके 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 अब समझ गया, माउस के रोल बॉल से घूम रहा है ये, अब तो घूमेगा। ले भाई आ गया। ठीक है, ये मैंने रखा और ये मैंने मिला दी लाइन। आ जाओ भाई कहाँ, ये ना, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, ये मैंने रख करके, क्या बात है भाई, सीधी लाइन आ रही एकदम, हाय हाय बिल्कुल शानदार लाइन आई है। चलो भाई अब इसकी विदाई कर दें, चलो जाओ तुम, ठीक है रूलर हट जाओ, जाओ चली गई ये लाइन, चली गई, इसको ज्वाइन कर दो, ये इधर एक कोना और ये इधर एक कोना, इधर ज्वाइन कर दिया। अब देखिए पूछिए इनइक्वालिटी से, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। अब क्या बनी इक्वालिटी? एक्स प्लस वाई लेस देन 60, जीरो जीरो सपोर्ट करो, जीरो प्लस जीरो लेस देन 60। तुम कहाँ आते हो? हम सपोर्ट कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी का, मतलब हम अंदर आएंगे। ओके देखो मिलाओ, देखिए बच्चों ये देखिए अंदर का रीजन है, अब देख पा रहे हो फिजिबल रीजन क्या बना? ये देखिए ये बना है फिजिबल रीजन, इसको मैं अगर दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूं, अब इतना करने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिजिबल रीजन बच्चों ये बन रहा है। देखो ये मैं आउटलाइन दे देता हूं बस इसकी, ये बना और ये बन गया, ये बन गया अपना फिजिबल रीजन, ये बन गया फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है 0,0, मतलब अपने इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको बच्चे लोग? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट।
तो एक बन गया कॉर्नर पॉइंट 0.0, दूसरा पॉइंट बन गया 0.60, 0.60। मैंने एक चीज़ दी है, देखी थोड़ा सा पढ़ा करके अभी कुछ दिनों में, कि जितना रिलैक्सफुली अपन ने ऐसे पढ़ा है 1 आवर में, उतना रिलैक्सफुली मैथ्स ऑफ फिजिक्स की ज़्यादा पढ़ने में भी क्लास नहीं हो रही है, जो आनंद के साथ पढ़ लिया। 20.0, 20.0, ठीक है ना, ये हो गया 20.0। तीन पॉइंट मिल गए, एक तो 0.0 है और एक 0.60 है और एक 20.0 है। ये पॉइंट निकालना कैसे निकालोगे, दो ही टेंथ क्लास वाला मेथड, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो चलो निकाल लेते हैं टेंथ क्लास वाली मेथड से, ये सब हटाओ। तो भैया क्या इक्वेशन है अपने पास, एक इक्वेशन अपने पास था 5x + y = 100। तो पहला इक्वेशन ये बैक करो, चलो तो इक्वेशन क्या है बेटा, 5x + y = 100 और दूसरा इक्वेशन क्या है, x + y = 60। चलो काटो, माइनस माइनस माइनस, y से y कैंसिल, 5x में से 1x गया 4x और 100 में से गए तो 40। तो भैया x की वैल्यू देखो कितनी आ रही, 10। देखो 0 और 20 के लगभग बीच में है, तो x यहाँ पे कितना बन रहा है, 10, और y कितना बनेगा, 60 के नीचे थोड़ा, 50 बनेगा लगभग। तो y की वैल्यू निकाल लो, नहीं समझ में आई क्या तुम्हें, अरे ऐसे निकाल लो सॉल्व करके। मैं सॉल्व ही करके निकाला, बट मैंने विश्वास के लिए मैच करवाया कि देखो 10 आ रहा है, क्योंकि ये 0 है, 20 है, तो थोड़ा सा इधर है ना सटक के, तो 10 आएगा। अब y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू कितना होगा, 60 - x, तो 60 में से 10 गए, कितना बचा, 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो चौथा जो पॉइंट आया है बेटा, वो आया अपने पास 10.50, ये आ गया 4 पॉइंट। अब आ जाइए दुकानदारी करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन कितना कमा रहा है भाई साहब, वो जूते पे 250 रुपये। प्रॉफिट फंक्शन कहाँ है, प्रॉफिट फंक्शन तो NCERT बुक में लिखा हुआ है, चलो बुक के पास। जूते पे 250 है और मोजे पे 750, तो यहाँ पे लिख दो भाई प्रॉफिट फंक्शन 250x + 75y। आइए पहला, इंडस्ट्री शुरू ही मत करो, जब शुरू ही नहीं करोगे तो घाटे का नाम ही नहीं रहेगा, कुछ लगाओ ही मत, बा बिल्कुल गलत बात। अगला 0.60, ये देखिए कोई विद्वान है जिसने सलाह दी है, एक काम करो केवल मोजे बेचो। चलो देखो भाई, तो z = 250 * 0 हो सकता आ जाए प्रॉफिट मैक्सिमम, +75 * 60 देखो, तो ये पहला तो 0 हो गया और 75 * 60 मतलब 0, 6 5 = 30 की 0, कैरी आई 3, 6 7 = 42 और 3 = 45। 4500 रुपये का मुनाफा कमाएगा अगर केवल और केवल इंडस्ट्री में अगर ये शॉक्स बेचेगा। अगर ये शूज़ बेचता है तब देखते हैं भाई साहब शूज़ में कितना पैसा आ रहा है, 250 * 20 करते हैं बेटा, तो आगे ये ज़ीरो कर दो, 75 * 0। तो अगर केवल शूज़ की इंडस्ट्री में लगवाऊँ इसको, तो शूज़ की इंडस्ट्री में 250 * 5000 रुपये का मुनाफा आ रहा है, 25 * 2 = 50 और 2 = 0, बिल्कुल सही। अब आइए देखते हैं, 10 जूते बिकवाओ और 50 मोजे बिकवाओ, देखते हैं। तो z = 10 जूते मतलब 250 के रेट से 10 मतलब 2500 डायरेक्टली लिख दूं, बोलो? यस सर। और कितने हैं, 75 रुपये के हिसाब से 50, 75 रुपीज एक मोजे पे मिल रहा है ना, इंटू कितना 50, 0, 5, 35 है ना, और 2, 3750, 3750। देखो भाई आंसर, 0 इधर पे आया, 5, 7 और 5 कितना 12, कैरी है 3 और 2 5 और ये कितना 6, 6250 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। देखो जो बहुत लोग समझ रहे थे कि इसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसने पूरा का पूरा पैसा इसमें लगा दिया था जीन्स में, बट भी उसको इतना फ़ायदा नहीं है। देख लो 10 जीन्स और 50 शूज़ में इसको फ़ायदा 6250 रुपये है, ठीक है ना। मगर हमारी जो अकल बोलती है वो ये कहती है कि भैया पूरा पैसा किस में लगा दो, शूज़ में, जीन्स बोल गया शूज़ की जगह, तो 6250 रुपये का फ़ायदा हुआ। आइए देखते हैं बिल्कुल सही है कि गलत है, शायद ये क्वेश्चन इन लोगों ने किया हो, बिल्कुल किया है भाई। देखो 0.60, 10.50, 20.0 और आपको है आंसर, देखो ये लो भाई 6250। क्लियर बच्चों की नॉट क्लियर?
क्रिस्टल तो क्लियर। इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन प्रॉब्लम। ये वर्टेक्स है फिजिबल रीजन के, मतलब कोने, और ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड है फंक्शन की। ठीक है बच्चों, हमारे सिलेबस में केवल बाउंडेड रीजन है बच्चों, अनबाउंडेड रीजन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अनबाउंडेड रीजन के ग्राफ आएंगे बिल्कुल मत करिएगा, बाउंडेड वाले ही ग्राफ आपको करने हैं। जैसे ये करना है आपको, ये करना है, बाउंडेड रीजन वाले ग्राफ आपको करने हैं। तो यही आपका चैप्टर है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो दो चीज़ें आएंगी। या तो पॉइंट पूछ ले कि बताओ भैया इंडस्ट्री लगाने के लिए कितने जूते और कितने मोजे, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा कमाई के लिए एक्स बराबर 10, मतलब 10 शूज़ बेचे और 50 सॉक्स बेचे। या तो ये क्वेश्चन आएगा, पॉइंट बना करके चार पेयर रहेंगे, 10,50, 10,20, 10,30, ऐसे कुछ रहेंगे। अब इसमें कुछ मूर्ख लोग क्या करेंगे कि वो वैल्यू पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, जेड में, और जो सबसे आंसर आएगा वो ज़्यादा कर देंगे। तो याद रखना, वो जेड की वैल्यू तो आएगी, आंसर तो आएगा, मगर वो ऐसा आएगा आंसर कि पता चला वो ग्राफ, वो जो पॉइंट है वो फिजिबल रीजन के अंदर नहीं होगा, वो कहीं बाहर होगा, वो कहीं बाहर होगा। तो भैया वो तो आपकी कैपेबिलिटी में ही नहीं है। मतलब पिताजी ने तुमको पैसा दिया है कि 50,000 का प्लांट लगाओ, और तुमने कह दिया कि हम 5 करोड़ का लगा के आ गए। 50,000 के प्लांट में 5 करोड़ का मुनाफा कहाँ से ले लोगे आप? तो वो आपके फिजिबल रीजन के बाहर होगा, वो आपकी हद के बाहर होगा, समझ गए ना, वो आपकी हद के बाहर होगा। तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे करते भी हैं कि वो करेंगे, यार एक काम करो सर, हम तो सीधे एक्स और वाई की वैल्यू लगाएंगे और जो सबसे ज़्यादा आएगी वो हम लिख देंगे। तो भैया ऐसा नहीं है बच्चों, वैल्यू तो ज़्यादा आ जाएगी, मगर हो सकता है वो आ जाए वैल्यू कितनी, 9,000 आ जाए। अब 9,000 रुपये के लिए उसको जो कैपिटल दी गई है वो उसके सपोर्ट में नहीं है, हो ही नहीं सकता 9,000 रुपये फ़ायदा। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट पूरा सॉल्व करना ज़रूरी होगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो पहला आएगा कि बताओ कितना किस पे फ़ायदा हुआ, तो पॉइंट पूछ सकता है। दूसरा, मैक्सिमम फ़ायदा कितना होगा, ये पूछ सकता है। तो भैया दो ही लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। इज इट क्लियर मुस्कान, अच्छे समझ में आया? यस सर, आगे समझ। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं पर आपका इस एग्जाम्पल के साथ, ये चैप्टर देखा जाए तो इस सिलेबस के लिए, इस टाइम के लिए ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बट अपन इसको थोड़ा और पढ़ेंगे। आप इसकी पूरी एक्सरसाइज आज लगाइए, और साथ में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज दी थी, तो आप लोगों से बन गई होगी पहली एक्सरसाइज, अगर पूरी लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है ना? तो आज अपना पूरा ध्यान आप लोग इस एक्सरसाइज में लगाओ, ठीक है बच्चों? यस सर। पीडीएफ मिल गया था आपको मुस्कान? सर फिजिक्स नोट्स का हाँ, सर अभी तो नहीं मिला है अरे सर, मैंने टैग किया ना ग्रुप में, लिखा है आपका नाम से, टैग किया, देखो उसको। मैं वो प्राइम बैच में नहीं हूँ ना। अच्छा, तुम प्राइम बैच में नहीं हो, अरे तो बताना था, चलो मैं पर्सनल शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? यस सर, चलो बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।